हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। जो आपके साथ इक्वेशन दी हुई है आपके सामने, इसमें इस इक्वेशन के विषय में ये जो लिखा गया है इसके विषय में कौन सा इसमें इनकरेक्ट है आपको बताना है। PbO प्लस कार्बन की रिएक्शन हुई है तो Pb प्लस CO2 बनते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट बने हैं Pb और CO2, और जो रिएक्टेंट हैं वो PbO प्लस कार्बन है। तो बताना है इसमें से कौन से गलत हैं। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बी कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इसमें से जो ऑप्शन है आपको दे रखे हैं कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी एंड सी, या फिर ऑल इनकरेक्ट हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ए एंड बी इसके जो है इनकरेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, Fe2O3 प्लस Al रिएक्ट होकर के Al2O3 और Fe बनते हैं, ठीक। तो इसके में क्या दिया है, द अबोव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रिएक्शन है ये कैसा एग्जाम्पल है, मतलब कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर Fe2O3 था और इसकी रिएक्शन जो है एल्यूमिनियम के साथ हुई है। अब एल्यूमिनियम ने क्या किया कि ये इसकी जगह आ गया, ठीक है, तो क्या बना, Al2O3 बना, ठीक है, और Fe को इसने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब Fe को यहाँ से हटा दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग्स। टेक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है आपको बताना है क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl को आप जो है आयरन फिलिंग के साथ जो है रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, मतलब क्या होगा जब Fe के साथ HCl जो है क्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर Fe जो है Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनेगा, FeCl2, क्या बनेगा, FeCl2, और जो है हाइड्रोजन गैस जो है बाहर हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जब जो है कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक। तो ये इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने हैं और जो रिएक्टेंट थे, अगर हम इनके एटम्स को कंपेयर करें तो एफ ही इधर A1 है, इधर भी 1 ही है, एच हाइड्रोजन 2 है इस साइड और इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, सी एल भी इधर 2 है और इधर भी सी एल 2 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, मीन्स जिसमें प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट्स थे दोनों के एटम्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अ रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसके हिसाब से क्या है, वो लॉ क्या है कि मास जो होता है ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हेंस इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द बोथ साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। हेंस इट इज फॉर दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पर ट्रांसलेट करना है इनको केमिकल इक्वेशन में और फिर उसको बैलेंस करना है। सबसे पहले देखते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया।
मतलब जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है गैस रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, अब इसको आपको बैलेंस करना है। अब देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि अगर हम रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसको हम कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन इधर 2 है इस साइड, लेकिन इस साइड क्या है, हाइड्रोजन 3 है। अब इसको कंपेयर हम मतलब इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए हम H2 में जो है 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन इधर 6 हो जाएगी, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो हाइड्रोजन इधर भी 6 हो जाएगी। नाइट्रोजन इधर 2 है, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन भी इधर 2 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, मतलब जो H2S गैस है उसको हम एयर में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, इसमें गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस बनती है। अब आप देखिए यहाँ पर सल्फर के एटम्स कितने हैं, 1 ही है, इधर कितने हैं, 2 हैं, तो क्या करेंगे हम इधर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं इधर हाइड्रोजन जो है 4 हो गए हैं और इधर ही हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं, तो हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इधर 2 हैं और इधर कितने हैं, इधर 2 और यहाँ पर 2, 4 हो गए, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से हमारी जो है इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सी पार्ट है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फाइड। बेरियम क्लोराइड जो होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फाइड, सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट मीन्स Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, AlCl3 बनेगा, AlCl3 प्लस BaSO4, BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब इसको बैलेंस करना है तो जब आप बैलेंस के लिए आप देख सकते हैं इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, BaCl2 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, और AlCl3 में इधर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और BaSO4 में 3 की, तो हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशंस हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इसको भी बैलेंस करना है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस करके दिखा रखा है, आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखनी है आपको। सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3, CaCO3 और वाटर बनेगा H2O। अब फ्रेंड्स आपने फॉर्मूले ज़रूर लिखना सीख रखा होगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कितना होगा, Ca+ के 2 चार्ज होते हैं इसके, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड जो होता है OH- होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होगे, जो इसके जो वैलेंसी होगी ये इसके बेस में आ जाती है, दूसरे मतलब जिसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा, Ca और OH और ऐसे होल ट्वाइस कर देंगे इसको। अब नेक्स्ट जैसे इसी में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को, तो चलो आपको आता होगा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट पर चार्ज क्या होता है, Ca पॉजिटिव होता है और कार्बोनेट होता है CO3-, तो रिएक्शन करके बना क्या, ये रिएक्ट करके बनेगा CaCO3। तो इस तरीके से हम जो है फॉर्मूला लिखते हैं, इनको इक्वेशन जो है आपको यहाँ पर बैलेंस करके दिखा रखे हैं और इक्वेशन भी लिखी हुई है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। सबसे पहले आप देखिए, जब KBr क्रिया करता है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड BaI मतलब क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, इसमें पोटेशियम आयोडाइड बनते हैं Ki और बेरियम ब्रोमाइड बनते हैं BaBr2। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हुआ क्या इसमें कि
कि के और आई जो है आपस में रिएक्ट कर गए हैं, ठीक है। और इधर दूसरी बार बी ए जो इसमें था, बी ए और बी आर टू रिएक्ट कर गए हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो था जेड एन सी ओ थ्री, जेड एन सी ओ थ्री जब रिएक्ट करते हैं तो जेड एन ओ और सी ओ टू बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एच टू प्लस सी एल टू, तो ये क्रिया करके बने हैं, रिएक्ट करके बने हैं एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एम जी प्लस एच सी एल, ये रिएक्ट करके बने हैं एम जी सी एल टू और हाइड्रोजन, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डज वन मीन बाय एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। ये जो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलते हैं इसको ऊष्माक्षेपी रिएक्शन और ऊष्माशोषी रिएक्शन क्या होती हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स क्या हुआ इसका इक्वेशन का, इसका मतलब आंसर क्या हुआ, कि जिन रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, या तो हीट के, लाइट के, या फिर साउंड के, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपको एन ए सोडियम जो क्रिया करता है, रिएक्ट करता है सी एल टू के साथ, तो एन ए सी एल बनता है और 411 किलो कैलोरी जूल जो है एनर्जी, किलो जूल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इन अदर वर्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्जोथर्मिक, मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इसी में है रिएक्शन दैट ऑब्जर्व एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिस रिएक्शन को रिएक्ट करने के लिए अलग से हीट या एनर्जी की जो है रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। रिएक्शन दैट ऑब्जर्व एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, तो ये क्या है, जब यहाँ पर सनलाइट जो है यहाँ पर जो है एनर्जी का वर्क कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे साथ बने रहें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज भी मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।